हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कटिंग एंड स्टिचिंग ऑफ एप्रन, जिसका मेजरमेंट इस प्रकार है। लेंथ 30.5 इंच, शोल्डर टू शोल्डर विड्थ 10.5 इंच, शोल्डर लेंथ 8.5 इंच, चेस्ट 46 इंच, बॉटम विड्थ 23 इंच, लेंथ ऑफ पॉकेट 7 इंच, विड्थ ऑफ पॉकेट 9 इंच, लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स 2.5 मीटर, लेंथ ऑफ जॉइनिंग द पॉकेट फ्रॉम टॉप इज 11.5 इंच। ये मेरा कपड़ा है। एक एडल्ट के लिए एप्रन बनाने के लिए लगभग 1 से 1.5 मीटर कपड़ा लगता है। अगर आप स्ट्रिप्स लॉन्ग लेते हो तो 2 मीटर कपड़ा लेना है, अगर आप स्ट्रिप्स में जॉइंट लगाना चाहते हो तो 1.5 मीटर कपड़ा सफिशियंट हो जाएगा। सबसे पहले हम कपड़े को विड्थ वाइज फोल्ड करते हैं और ऊपर से लेते हैं अपना लेंथ प्लस 4 इंच। लेंथ है हमारी 30.5, उसमें 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34.5 इंच। यहाँ पर हम इसकी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हम टॉप से अपने शोल्डर टू शोल्डर विड्थ यानी कि तीरे का आधा प्लस 1 इंच लेंगे, क्योंकि हम इधर से इसको जॉइनिंग करेंगे। तीरा है हमारा 10.5, उसका हाफ हो जाएगा 5.25 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.25। इस पॉइंट से हम अपनी शोल्डर लेंथ प्लस 2 इंच लेंगे, क्योंकि ऊपर से हम लगभग 1.5 से 2 इंच फोल्ड करते हैं। शोल्डर लेंथ है हमारी 8.5, प्लस 2 हो जाएगा 10.5 इंच, और इधर से जितना ये लिया है 6.25, उतना 6.25 का हम एक क्रॉस लगाएंगे। अब इसमें हम फ्रंट आर्म कटिंग नहीं करते हैं, सिंपल एप्रन है तो यहां से हम लेंगे अपने चेस्ट का 1/4 प्लस 1.5 इंच। चेस्ट है हमारी 46 का 1/4 हो जाएगा 11.5 और उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 13 इंच। हम इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। अब यहां से हम अपनी कर्विंग करेंगे, सिंपल कर्विंग इस तरह से, और जितना हमारा ये लास्ट पॉइंट आया है बॉटम से भी हम उतना यानी कि 13 इंच पॉइंट लेके सिंपल स्ट्रेट लाइन में इसको मिला देंगे। और इस चौक मार्क लाइन पर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये मेरा लगभग 2.5 मीटर कपड़ा है तो मैं इसमें से इधर से सीधी एक स्ट्रिप 4 इंच की चौड़ाई वाली काट रही हूँ। ये मेरी स्ट्रिप में काम आएगी जो एप्रन में लगती है। स्ट्रिप काटने के बाद अब हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की लेंथ में हम लेंगे 2.5 इंच एक्स्ट्रा। लेंथ ऑफ द पॉकेट इज 7 इंच प्लस 2.5 हो जाएगा 9.5 इंच। और विड्थ में हम लेते हैं फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा। विड्थ है हमारी पॉकेट की 9 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10.5 इंच। इस तरह से हम ये बॉक्स बनाएंगे 9.5 इंच और 10.5 इंच का, और ये हमारी पॉकेट के लिए क्लॉथ हो जाएगा। अब इस रिमेनिंग कपड़े से हमें अपनी स्लांट स्ट्रिप्स बनानी है जो हमारे आर्म राउंड में लगेगी, जिसके बीच से हमने ये लॉन्ग स्ट्रिप बना करके काटनी है। वो लगभग 2.5 इंच विड्थ की होती है। स्टिचिंग में सबसे पहले हम एप्रन के राइट साइड में सबसे टॉप पर 2 इंच का मार्क लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमने
2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से शोल्डर लेंथ में लिया है, ये हम रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम साइड से हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो हम इसकी भी राइट साइड में 1.5 इंच की ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसको भी रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। इसके बाद हम ये स्लांट स्ट्रिप को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आर्म होल पर इस तरह राइट साइड से, और ये भी राइट है, राइट टू राइट मैच करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको लगभग 1 इंच के करीब ऐसे फोल्ड करेंगे और इस आर्म होल तक यहाँ तक सिलेंगे और यहाँ आने पर भी 1.5 से 1 इंच फोल्ड करके अंदर की साइड इसको सिलेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर आने के बाद हम इसको लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा कट कर लेंगे इस प्रकार से और इसको यहाँ से ऐसे अंदर फोल्ड करके इसकी स्टिचिंग कर देंगे और दूसरी बाजू में भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इस स्टिच पर स्मॉल स्मॉल कट्स लगाएंगे, ध्यान रहे कि ये स्टिच हमारी कटे नहीं। कट्स लगाने के बाद हम इसको इस प्रकार से रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसकी साइड में एक सिलाई लगाएंगे। और ऐसा हम दोनों साइड करेंगे। स्टिच करने के बाद अब हम इसको ऐसे 1/2 इंच लेकर के रॉन्ग साइड में ऐसे रखेंगे और ऐसे सिलाई लगाएंगे। स्टिचिंग करने के बाद हम पॉकेट के कपड़े पर ऊपर से ये 2 इंच की लाइन लगाएंगे और इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे इस तरह सिंपली ऐसे, और इसको इस लाइन तक ऐसे फोल्ड करेंगे, यहाँ स्टिच करेंगे। उसके बाद हम 3 साइड से इसको लगभग इतना यानी कि 1/2 इंच के करीब फोल्ड करेंगे। पॉकेट की स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से ऐसे फोल्ड करके, ये यहाँ चौक से मार्क लगाएंगे सेंटर में, इसी तरह बॉटम में भी ऐसे फोल्ड करेंगे इसको और इसका भी ऐसे सेंटर मार्क लगाएंगे। ये हमारी पॉकेट के सेंटर्स आ गए हैं। अब हम इंच टेप से अपनी पॉकेट जहां इंसर्ट करनी है लेंथ वाइज, वो है हमारा 11.5, उस पर हम ऐसे मार्क लगाएंगे और यहां से यहां सेंटर निकाल करके इस सेंटर को भी मार्क करेंगे हम, और इसके बाद हम इस सेंटर को सेंटर से ऐसे मैच करेंगे, पॉकेट का सेंटर और एप्रन के सेंटर को, और इस तरह से इसके चारों तरफ ऐसे एक लाइन लगा देंगे, इस तरह से पॉकेट के चारों तरफ ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन। तो मैं पहले यहां से भी इस सेंटर लाइन को लेंथ वाइज लंबा लेके जाती हूं और इस तरह हम इसके कॉर्नर्स मार्क कर देते हैं और यहां से ऐसे इसकी साइड में लाइन लगा देते हैं। और अब हम यहां से इस पॉकेट को इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर देंगे। पॉकेट लगाने के बाद अब हम टॉप से अपनी रिक्वायर्ड लेंथ पर निशान लगाएंगे, हमारी रिक्वायर्ड लेंथ है 30.5 इंच, तो यहां निशान लगा करके नीचे का ये मेजर करेंगे, ये लगभग 1.75 इंच आ रहा है, तो हम ऐसे लाइन लगा करके इसको रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देंगे। नीचे की फोल्डिंग करने के बाद अब हम ये स्ट्रिप फोल्ड करेंगे, ये हमारी रॉन्ग साइड है, इसको हम इस तरह से ऐसे
लगभग हाफ इंच के करीब ऐसे मोड़ेंगे और इधर से भी हाफ इंच, इधर से भी हाफ इंच और वापस इसको इसके ऊपर ऐसे रख करके सिंपल स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे। इधर से इस प्रकार बंद करके ये स्ट्रिप हम स्ट्रेट पूरी 2.5 मीटर तक सिलेंगे। और दूसरे एंड पर पहुंचकर भी इसी तरह इसको फोल्ड करना है। स्ट्रिप बनाने के बाद अब हम इसे इस प्रकार से आर्म होल के बीच में डालेंगे एक साइड से, और वापस दूसरी साइड की आर्म होल से, नेक पोर्शन से आर्म होल की तरफ लेके आएंगे। ये हो गया हमारा एप्रन तैयार। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई कटिंग या एक नई स्टिचिंग आसान तरीके से समझाऊंगी। धन्यवाद।